सुनो 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 मेरी आवाज, सुनो सुनो नया ये साज, मुझे पंख मिले हैं आज, मुझे लेनी है एक परवाज। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो बहुत अच्छा था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आसिया। आज परिस्थितियां बदल रही हैं, महिलाएं कामयाबी का परचम लहरा रही हैं और अब महिलाओं के समर्पण के साथ इनके सम्मान की बात भी हो रही है, तो क्यों ना आज हम इसी समर्पण की कहानी सुने। मुझे पंख मिले हैं आज, मुझे लेनी है एक परवाज। दिलों में बस जाए वो मोहब्बत हो, कभी बहन कभी ममता की मूरत हो, मेरे आंचल में है चांद सितारे, माँ के कदमों में बसी एक जन्नत हो। हमारे देश की संस्कृति में नारी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। कहा जाता है, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। रोशन करूं मैं जग को, कोई राह मेरी ना रोको, मैं हूं। आज महिलाएं उत्थान की बात हो रही हैं, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, महिलाओं के आगे बढ़ते कदम की बात हो रही है। घर से निकलकर महिलाएं आज आसमान से बातें कर रही हैं। ये विकसित होते भारत की नई तस्वीर है, जहां महिलाएं कुछ नहीं सब कुछ करने का जुनून रखती हैं। एक समय था जब महिलाओं को दूसरे दर्जे का माना जाता था, परिवार और समाज के लिए वो एक आश्रित से ज्यादा कुछ नहीं थी। लेकिन वक्त बदला और सोच बदली, महिलाओं ने कदम घर से बाहर निकाला और दुनिया में कब्जा कर लिया। आज घर हो, बिजनेस हो, डिफेंस हो या फिर राजनीति हो, महिलाएं हर क्षेत्र में कुछ नया कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अचानक बदल जाएगा, पर बदलेगी सोच तो बदलेगा कल। सुनो सुनो। हर पल चैन लुट जाए लेकिन स्वाभिमान से समझौता किसी हाल में नहीं। सुनो सुनो नया ये साज, मुझे हो जाए बेपनाह दर्द से सामना, हर पल आजमा ले दुनिया की मुश्किलें, लेकिन जिंदा है औरत की हिम्मत, क्योंकि वो समर्पण नहीं सम्मान की हकदार है। सुनो है, सुनो सुनो। सिर्फ शरीर नहीं, उससे कहीं आगे पूरे आसमान में उसके हौसले बुलंद हो और वो सशक्त बने। वो धरती नहीं, वो जानती है मझधार भी उनके अंदर है और किनारा भी। रोशन करूं मैं जग को, जानती है कि बुलंद हौसले अगर हो अंदर तो दुनिया को शक्तिशाली भी परास्त कर सकते हैं, इसलिए वो अपराजिता है। महिला सशक्तिकरण की सशक्त तस्वीर पेश करती हैं जमुना टुटु। इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में कई मुश्किलों का सामना करते हुए एक मिसाल कायम की। इन्होंने जंगलों से दोस्ती कर ली, लेकिन दोस्ती की कहानी इतनी आसान नहीं थी। हौसले की कहानी, बहादुरी की कहानी, ऐसी कहानी जिसे दिल से सलाम करने को मन करता है। झारखंड का पूर्वी सिंहभूम का इलाका और यहाँ की लेडी टार्जन है जमुना टुडू, और जमुना टुडू है हमारी नायिका। जमुना ने जंगलों से दोस्ती कर ली है, एक ऐसी मुहिम की शुरुआत की जो ना सुनने में आसान था ना करने में। 1998 में मेरा मायके तो ओडिशा है, रायरमपुर। जब नया नया हमने आए थे तो उस टाइम मुझे भी गांव का जो महिला लोग है वो लोग हमको लेके गया था जंगल लकड़ी लाने के लिए। तो जब हमने देखे इतना बड़ा जंगल है, इतना सुंदर मतलब जंगल है, तो हम देखे अगर इस जंगल को हम लोग रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा।
गांव का आदमी ने बोला इस जंगल को अगर हम लोग रखेंगे और लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, गांव वाला लोगों से दुश्मनी होगा और हम लोग का बाद में कोई आना नहीं चाहेगा। तो हमने बोले शुरुआत में थोड़ा सा होगा ही, मतलब लड़ाई होगा, किसी से झगड़ा भी होगा, ये तो होगा ही, क्योंकि वो लोग बोलेगा आपका बाप का जमीन है, पानी पानी डाल के बड़ा किया है क्या, हम नहीं काटेंगे। वो लोग भी बोलेगा वो तो बात सही बात है, लेकिन इस सबको हम लोग को बर्दाश्त करना होगा कुछ दिन के लिए। जमुना ने जमीन माफियों से लोहा लेकर जंगलों को बचाने की एक मुश्किल मुहिम की शुरुआत की। बात 2000 की है। जमुना अकेले अपने कुछ साथियों के साथ जंगलों में निकल पड़े। माफियों के खिलाफ लड़ने के लिए ये ठान लिया कि जंगलों को कटने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। कहानी तब शुरू हुई जब जमुना के गांव में काफी कम पेड़ थे। जंगल के कटने से वो दुखी थी। जंगल पर लोग निर्भर थे, लेकिन फिर भी जमुना ने जंगल को बचाने का प्रण ले लिया था। जमुना और उनके साथ की महिलाओं ने अपनी जान पर खेल कर पेड़ों की रक्षा की। पिछले 2 दशकों से जमुना ने झारखंड के 300 गांव में 50 एकड़ से अधिक जंगलों को बचाया है। आज झारखंड की बहू ने पेड़ों को बचाने का संकल्प ले लिया है। पेड़ों को राखी बांधकर जमुना ने ये शपथ लिया है। उनके इस हौसले के लिए 2018 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आज जमुना ने झारखंड के इस नक्सल प्रभावित इलाके में अपने दम पर जंगलों की कटाई पर पूरी तरह लगाम लगा दिया है। जंगल बचाने का काम करती हूँ, गांव-गांव में जाके समिति बनाती हूँ और आज मैं पूरा पूर्वी सिंहभूम में कम से कम 200 से 300 तक हम मैंने समिति बनाई हूँ और वन सुरक्षा समिति बनाई हूँ। आज जमुना के साथ 150 से ज्यादा टोलियां जंगल बचाओ संरक्षण समिति के साथ मिलकर इस पूरे इलाके में दल बचाने का काम कर रही है। कहा जाता है कि डर के आगे जीत है। ये जीत कैसे हासिल की जाती है ये हमारी नायिका जमुना से सीखा जाए। इनके हाथों में जादू है और इनके दिल में अरमान कुछ जिंदगियां सवारने का। हम बात कर रहे हैं जयश्री भट्टाचार्य की, जिन्होंने झारखंड में पहली बार निसंतानों को उम्मीद की रोशनी दिखाई। आज इनकी मदद से कई घर रोशन हुए हैं। आपके सपनों को साकार करती हैं ये महिलाएं। आपके घर आंगन को रोशन करती हैं ये महिलाएं। जी हाँ, ये हैं जयश्री भट्टाचार्य। यूं तो चिकित्सा क्षेत्र में कई छोटे बड़े उपलब्धियां इस राज्य के नाम हैं, लेकिन जयश्री ने वर्ष 2000 में पहली बार झारखंड में IVF प्रणाली से झारखंड का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी इस राज्य को दिया। ये कार्य मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं, और यही कर दिखाया जयश्री ने। उन्होंने अपने हौसले और अथक प्रयास से इस कठिन प्रक्रिया को पूरा किया। आज जयश्री ने ना जाने कितने ही सूने घर को रोशन कर दिया है। पहले जब हम पेशेंट्स को देखते थे उनके पास इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम हुआ करते थे, उनको हम लोग बताना पड़ता था जो किस तरह से इलाज होता है, उसके जो बेबी होंगे वो नॉर्मल बच्चे जैसे सारे बच्चे होते हैं वैसे ही बच्चे IVF से भी होते हैं। लेकिन आज जब हम पेशेंट्स को देखते हैं वो खुद सारे चीज़ समझ के फिर आते हैं हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए, तो उतना समझाने की ज़रूरत नहीं होती है। एक चिकित्सक के रूप में जयश्री के लिए ये मुकाम हासिल करना आसान नहीं था। आज से 20 साल पहले लोगों को, खासकर महिलाओं को, IVF प्रणाली को अपनाने में घबराहट होती थी, लेकिन वक्त बदला और लोगों ने जयश्री के साथ उनके इस चिकित्सा प्रणाली को भी अपनाया। जयश्री खुद मानती हैं कि लोगों का भरोसा हासिल करना आसान नहीं था, लेकिन उनके पास आकर कोई खाली हाथ नहीं गया है।
चैलेंजिंग तो ज़रूर है, क्योंकि उन्हीं लोग आते हैं जो सारे डॉक्टर्स के पास जा कर के सफलता उनको नहीं मिली, उसके बाद लास्ट में ये आते हैं हमारे पास। लोग आज तक किसी भी ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने दिए हैं, और जिनके पास आर्थिक रूप से जिन लोग कमज़ोर हैं उन लोग को हम लोग पूरा कोशिश करते हैं, मदद करते हैं जो इलाज कम से कम कंप्लीट करके जाए। कई ऐसी महिलाएं हैं जो आज भी इस ट्रीटमेंट का लाभ लेने से पहले हिचकिचाती हैं, लेकिन उनको इस ट्रीटमेंट का लाभ देने से पहले डॉक्टर जयश्री भट्टाचार्य लगातार महिलाओं को जागरूक भी करती हैं। ऐसे में डॉक्टर जयश्री भट्टाचार्य लगातार ऐसे दंपत्ति जिनके अपने संतान नहीं है उनके गोद भरने के साथ साथ उनके जीवन में रंग भरने का काम कर रही है। माँ बनना किसी भी औरत के लिए सबसे सुखद पल होता है, लेकिन कभी कभी कुदरत के आगे सभी बेबस हो जाते हैं। ऐसे में आज जयश्री जैसे कई डॉक्टर्स इन महिलाओं को नई रोशनी दिखाने में लगे हुए हैं। आज हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। ऐसे में जयश्री भट्टाचार्य नए भारत की तस्वीर पेश कर रही हैं, जहां से मातृत्व को एक नई परिभाषा मिल रही है। ये कहानी एक खिलाड़ी की है, एक पुलिस कर्मी की दर्द की कहानी है, उस सफर की कहानी है जिसमें संघर्ष की कड़वी दास्तां है। आइए मिलते हैं सुजाता भगत से। हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ी हूँ, जिंदगी देख जरा मेरा हौसला तुझसे भी बड़ा है। ये हिम्मत की कहानी है, ये हौसले की कहानी है, यहाँ आत्म सम्मान भी है और ये आत्मविश्वास की कहानी भी है। कभी इनके सपने टूटे तो कभी इन्होंने बिखरे हुए शीशों को जोड़ने की कोशिश की। ये दास्तान है सुजाता भगत की। इनकी कहानी में संघर्ष है और संघर्ष से मिली कामयाबी भी। सुजाता का एक सपना था एक एथलीट बनने का, परिवार ने उनका साथ दिया और उन्होंने एक धावक के तौर पर एथलेटिक्स में कदम रखा। यही नहीं, एथलेटिक्स ने सुजाता को पुलिस सेवा में भी मौका दिया और सुजाता को अपना सपना मानो पूरा होता नजर आया। लेकिन सुजाता की संघर्ष की कहानी यहीं से शुरू होती है। ये तो घर का ही एनकरेजमेंट हुआ जो कि मैं एक अच्छी एथलीट बनी हूँ, और उसी में मैंने जॉब भी ज्वाइन किया पुलिस में। 100-200 मीटर रनर थी, और लेकिन बाद में कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स हुआ, एक्सीडेंट हो गए और शादी हुई, बच्चे हो गए दो, फिर ब्रेक हो गया 12 साल का ब्रेक। एक हादसे ने सुजाता को एथलेटिक्स से दूर कर दिया, यही नहीं पुलिस सेवा से भी सुजाता को दूर होना पड़ा। सुजाता को कई ऑपरेशंस से गुजरना पड़ा और कई तरह के शारीरिक कष्ट का भी सामना करना पड़ा। सुजाता का इंतजार लंबा होता जा रहा था और सुजाता का शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन हौसला, हिम्मत और परिवार के साथ ने सुजाता को कुछ नया करने की सीख दी, और यहीं से पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में सुजाता ने कदम रखा। एक के बाद एक कामयाबी हासिल करने के बाद एशियाई स्तर तक सुजाता ने गोल्ड मेडल हासिल किया। कलाम जी का वो बात मेरा जहन में बसा हुआ है, सपने देखना है तो दिन में देखो और सपने देखो तो उसे पूरा भी करो। तो मैंने जो सपने देखा था मेरे फादर ने मुझे दिखाया था तो मैंने पूरा किया। मैं भी चाहती हूँ झारखंड के महिलाएं आगे आएं और अपने जो देखे हुए सपने हैं वो पूरा करें। एक सपना जो सुजाता ने बरसों पहले देखा था वो आज अपने लंबे सफर के बाद कामयाब होता दिख रहा है। आज यही मेहनत है, यही जज्बा है जो आज उन्हें इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा लाया है। लेकिन उनके सफर सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होता,
उन्होंने आज भी कई ऐसी महिलाओं और लड़कियों को एथलीट और पावर लिफ्टिंग में उन्हें ट्रेनिंग दे रही हैं, उन्हें जागरूक कर रही हैं ताकि वो भी इस क्षेत्र में अपना करियर बनाएं। आज सुजाता उन लाखों महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है जो सपने तो देखती हैं लेकिन घर की चार दीवारी में कहीं ना कहीं वो सपने बिखर जाते हैं। सुजाता मिसाल है उस महिला की जिन्होंने अपने मनोबल को सशक्त किया, अपने हौसले को बुलंद किया और अपने इरादों को अंजाम दिया। हम सलाम करते हैं सुजाता की दिलेरी को। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। महिलाओं की कहानी आगे भी जारी है। सुनो 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 मेरी आवाज, सुनो सुनो नया ये साज, मुझे पंख मिले हैं आज, मुझे लेनी है एक परवाज। सुनो सुनो इन्होंने एवरेस्ट को फतह किया, शिखर पर पहुंचकर देश का नाम रोशन किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश की पहली महिला पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल की। एक समय होता है जब महिलाएं सोचती हैं कि जिंदगी को कुछ आराम दिया जाए, उम्र का ऐसा पड़ाव जब शरीर थक जाता है और परिवार को उनकी जरूरत होती है। लेकिन ये कहानी प्रेमलता अग्रवाल की है जिन्होंने 48 साल की उम्र में एवरेस्ट को फतह किया। मैं तो बार बार महिलाओं को बोलते हुए आ रही हूँ कि अपने अंदर की क्षमता को, अपने अंदर की शक्ति को पहचाने है। महिलाओं में एक कमी है कि कुछ भी करने के पहले हार मान लेती है, अपने आप को बहुत कम करके आंकती है कि हम नहीं कर पाएंगे, ये हमसे नहीं होगा। कुछ महिलाएं बोलेगी अभी हम शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गई है, उम्र इतनी हो गई है, बच्चे बड़े हो गए, लेकिन नहीं, महिलाएं कभी शारीरिक रूप से कमज़ोर नहीं होती। साथ ही झारखंड की पहली महिला पर्वतारोही बन गई जिन्होंने एवरेस्ट को फतह किया। प्रेमलता की कहानी लगन और मेहनत की दास्तां बयां करती है। आज जब दुनिया महिला सशक्तिकरण का ताकत देख रही है, वहीं प्रेमलता ने उम्र को नजरअंदाज करते हुए कामयाबी हासिल की है जिससे आज के युवा प्रेरणा ले सकते हैं। प्रेमलता ने 36 साल की उम्र में पर्वतारोही क्षेत्र में कदम रखा लेकिन पता चला कि ये आसान नहीं है, लेकिन दिल में जुनून था कि शिखर को फतह करके छोड़ेगी। दूसरी बेटी तो मेरा सहारा बने, मेरी स्ट्रेंथ बने, वो यहाँ थी तभी मैं सब कुछ कर पाई। क्योंकि कभी लगा कि मैं कैसे इतने दिन बाहर जा पाऊँगी, परिवार है, दादी सास थी, सास ससुर थे, सब परिवार है, और कैसे, तब छोटी बेटी मेरा सहारा बनी, स्ट्रेंथ बनी कि आप घर परिवार की सबकी चिंता मत करो, मैं फैमिली को देखूँगी, सबको देखूँगी। एवरेस्ट सहित सातों महाद्वीपों को छूने वाली पहली महिला ने एक इतिहास बनाकर प्रेमलता ने देश और झारखंड का नाम रोशन किया है। इनकी संघर्ष की कहानी में वह जुनून और जज्बा नजर आया जिसने प्रेमलता को शिखर तक पहुंचाया। 12 साल के अथक कोशिशों के बाद 2011 में उन्होंने 48 साल की उम्र में एवरेस्ट को फतह किया। एवरेस्ट के अलावा प्रेमलता ने दुनिया भर के 6 और पर्वतों को अपनी मुट्ठी में किया है। आज प्रेमलता अग्रवाल का नाम पर्वतारोही क्षेत्र में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। प्रेमलता ने अपने लक्ष्य को देर से ही सही लेकिन अपने निश्चय और हौसले से एक सशक्त कामयाबी हासिल की है। इन्हें झारखंड की पहली फैशन डिजाइनर होने का गर्व हासिल है। ये हैं आस्था किरण,
कई महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बनी हुई है। हमारे ख्वाब अजब कहकशां बनाते हैं, जमीन को तारों भरा आसमां बनाते हैं। जी हाँ, ये कहानी है एक सपने की, एक ऐसे सपने की जिसे साकार होने में 20 साल से ज्यादा लग गए। ये है आस्था किरण, महिला सशक्तिकरण की एक ऐसी तस्वीर जिसने अपने ख्वाब को साकार करने के लिए जी जान लगा दी। आस्था किरण झारखंड बिहार की पहली फैशन डिजाइनर होने का गर्व हासिल कर चुकी हैं। ये कहानी आज से 20 साल पहले शुरू हुई थी। वो वक्त था जब ना मोबाइल था ना लोग फैशन के प्रति जागरूक थे। आस्था ने कभी सोचा नहीं था कि वो इस क्षेत्र में इतना आगे बढ़ जाएंगी, लेकिन अपनी कल्पना को उन्होंने संघर्ष के रास्ते ले जाकर सफल बनाया। जैसा कि मुझे लगता है कि अभी मैं जब अपने आप को पीछे देखती हूँ तो लगता है सचमुच मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है। जब मैं दिल्ली पहुँची, एक्चुअली हमारा बैकग्राउंड और हम लोग मिडिल क्लास फैमिली को हैं, वैसा भी नहीं था कि कुछ फैशन हमारा फील्ड था। तो जब मैं वहाँ पहुँची, बिहार झारखंड के लोगों को तो ऐसे ही लोग सोचते हैं कि फैशन ओरिएंटेड है नहीं, उनकी डिज़ाइनिंग क्या होगी। तो मुझे उसी समय से अपने क्लास से ही अपने आप को प्रूव करना पड़ा, क्योंकि जब मैं क्लास में गई तो वहाँ सारे दिल्ली के स्टूडेंट्स आउटसाइडर्स, तो हम लोगों को बोला जाता था कि आप बिहारी हो, क्या डिज़ाइन करोगे। तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो करना ही पड़ेगा, मुझे तो प्रूव करना ही पड़ेगा। काले नकाब में है मुश्किलें। आस्था किरण को ये मुकाम पाने में ऐसा नहीं है कि आसानी से मिल गई। इस क्षेत्र में पहचान पाने के लिए उन्होंने कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा परिवार का साथ भी मिला, वही दोस्तों के ताने भी। लेकिन इन सब के बावजूद आस्था किरण एक ऐसे मुकाम पर हैं जहां हर किसी के लिए जाना इतना आसान नहीं होता। आज आस्था न सिर्फ अपना बुटीक चलाती है बल्कि कई लड़कियों को इस क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित भी करती है। आज ये जहां स्वरोजगार का साधन बन गया है, वहीं आस्था किरण कई लड़कियों के लिए आदर्श बनकर उभरी है। तो मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील करती हूं कि झारखंड में आकर मैंने ऑल ओवर इंडिया लेवल पे अपनी एक पहचान बनाई। क्योंकि हुआ क्या कि जब मैं रांची आ गई तो मुझे 2-3 कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो झारखंड में जब थी तो यहीं पे मैंने डिज़ाइनिंग की और 2-3 ड्रेसेस मैंने दिल्ली भेजे थे, और गॉड विलिंग इतना अच्छा हुआ कि मुझे सिलेक्ट किया गया ऑल ओवर इंडिया में झारखंड में एज ए झारखंड की फर्स्ट डिज़ाइनर। आज जब महिलाएं सबों से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, वहीं आस्था किरण जैसी महिलाओं ने ये राह सालों पहले ही चुन ली थी। झारखंड की पहली लोकोमोटिव ड्राइवर होने का गर्व इन्हें हासिल है। दीपाली ने साबित कर दिया कि सपनों को कैसे सच किया जाता है। डगर कठिन थी, लेकिन दीपाली की दीवानगी ने उन्हें कामयाबी दिला दी। हर कामयाबी के पीछे एक सपना होता है। ये कहानी भी एक ऐसे ही सपने की है, सपना कुछ बड़ा करने की। दीपाली अमृत ने भी कुछ ऐसा ही सपना देखा था, सपना कुछ बहुत बड़ा करने की। आज दीपाली झारखंड की पहली लोकोमोटिव पायलट होने का गर्व हासिल कर चुकी है। दीपाली को रेल का नशा बचपन से ही था। पिता रेल कर्मी थे, ऐसे में दीपाली का बचपन ट्रेनों के बीच ही गुजरा। दीपाली ने बचपन में नहीं सोचा था कि एक दिन वो बड़े इंजन को चलाने का गौरव हासिल करेगी। शुरुआती दौर में दीपाली को काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन कहीं से सराहना और कुछ अपना हौसला
और उसी ने दीपाली को आगे बढ़ने का उत्साह दिया। जब मैं आई यहाँ अपने पोस्ट पे तो सभी तरफ से नेगेटिव ही मुझे सुनने को मिल रहा था कि इसमें लेडीज को नहीं आना चाहिए, ये आपका 24 घंटे की ड्यूटी है, लाइन में सेक्शन में जाना है, रात दिन की ड्यूटी है, इसलिए ये लेडीज के लिए सेफ नहीं है, इसलिए आप लोग को इसमें नहीं करना चाहिए। कि सर मुझे जब मैं ट्रेनिंग पूरी करके आई हूँ तो मुझे एक बार काम करने दीजिए, अवसर दीजिए, यदि मैं नहीं कर पाऊंगी तो फिर मैं ऑफिस में बात करूंगी। उनका यही उत्साह उन्हें यहाँ तक ले आया। 2007 में असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में रांची मंडल ज्वाइन किया। दीपाली ने रांची लोहरदगा ट्रेन को 7 साल तक असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में सेवा दी। 2014 में दीपाली को प्रमोट कर लोको पायलट बना दिया गया। आज दीपाली हटिया के यार्ड में शंटिंग ड्यूटी पर अपनी सेवा दे रही है। 8 मार्च 2018 को जब रांची टोरी ट्रेन का उद्घाटन किया गया तो इस महिला स्पेशल ट्रेन को दीपाली ने लीड किया। महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत आगे हैं, आज ही नहीं, आज आप पहले देखेंगी आजादी के समय भी महिलाएं बहुत आगे रही। 21वीं सदी की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। बढ़ते हिंदुस्तान की ये तस्वीर हम सबको प्रेरणा देती है। दीपाली वो नायिका है जिसने अपने हौसले से आने वाली हर चुनौतियों का सामना किया और ये कामयाबी हासिल की। यहाँ समर्पण है, यहाँ हौसला है, यहाँ सहनशीलता से जीवन को सरल और सुखद बनाने की दास्तां है। शायद यही कारण है कि आज महिलाओं के समर्पण के साथ उनके सम्मान की भी बात होती है। मुझे दीजिए इजाजत, आपको महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। सुनो 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 सुनो।